चलिए बात करते हैं आज भारत के अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सारस के बारे में। ये प्रोजेक्ट जो है 2004 में शुरू किया गया था। 14 सीटर का ये प्लेन है और इसके दो प्रोटोटाइप बनाए गए थे। अब इसमें से एक प्रोटोटाइप जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था 2009 में, और उसके बाद जो है एक तरह से इस प्रोजेक्ट को लगभग ख़त्म जैसा कर दिया गया था, कोई इस पर काम नहीं हुआ था। इस दुर्घटना में जो है एयरफोर्स के तीन पायलटों की मृत्यु हुई थी, और इसके बाद जो है प्रोजेक्ट लगभग ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। बाद में जो है नई सरकार आई, इसके बाद जो है इसको रिव्यू किया गया था, और 24 जनवरी को जो है पिछले महीने जो है इसका एक फ्लाइट टेस्ट हुआ और ये बहुत ही सफल रहा। करीब 25 मिनट की जो है इसकी फ़्लाइट रही और सफल रही। अभी कुछ और फ्लाइट जो हैं इसकी टेस्ट होंगी और ये भी उम्मीद है कि अच्छा किया जाएगा। अब जो है इसके आगे वाले वर्जन पर भी काम होगा। इसमें जो है 14 सीट को बढ़ा के 19 सीट किया जाएगा, और इसमें कुछ और फीचर्स ऐड किए जाएंगे जैसे कि मॉडर्न एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट, और ये सारी चीज़ें जब एडेड हो जाएंगी तो इस सारस का नाम हो जाएगा सारस मार्क 2। तो एक नए वर्जन पर भी काम चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है भारत को दूसरे देशों से जो है एयरक्राफ्ट नहीं खरीदने पड़ेंगे पैसेंजर्स के लिए। भारत के लोग जो है अपने ही बने हुए प्लेन में यात्रा करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम इसके फ्लाइट टेस्ट का एक वीडियो। Thank you.